मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे, मैं भी आप बहुत अच्छी हूँ। और मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि क्या हुआ था, वो जो परसों का गणेश विसर्जन वाला ब्लॉग जो था ना, अनंत चतुर्थी वाला, वो ब्लॉग मेरे हबी ने एडिट कर दिए थे पूरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिले, थैंक यू सो मच उसके लिए। बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट भी आए बहुत सारे लोगों के, और बहुत अच्छे व्यूज़ भी उसके लिए मिले। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा मैं ये बात बोल रही हूँ आप लोगों से, तो फिर ऐसा है। और वो ब्लॉग को एडिट करने के लिए कितने घंटे लगे गाइस, आप लोगों को बताओ। मैं पूरे 4 घंटे लगे थे, मैं 2 बजे के करीब, ये कल घर पे थे ना, घर पे होने की वजह से ना, मैं 2 बजे के करीब, मतलब जैसे मैंने सुबह में ब्लॉग एडिट वगैरह करके पब्लिश कर देती हूँ, पर कल क्या हुआ, ये घर पे होने की वजह से आप लोगों को तो पता ही है कि कितना हर चीज़ लेट होती है। जैसे थोड़ा लेट उठते भी हम लोग, और मतलब जैसे कि हर एक चीज़ नाश्ता वगैरह सब लेट होती है, और मेरा फिर उस दिन ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही मिलता आप लोगों के सामने। और अभी है सुबह मॉर्निंग का टाइम, और अभी बज रहे 11, वो चले गए दुकान पे, अभी 11 बज रहे। और अभी मैं वही लंच की तैयारी करने जा रही थी, आज मैं बनाने वाली थी भिंडी की सब्जी, तो अभी बैठी हूँ, देखो यहीं पर रखी हूँ भिंडी, एक सेकेंड आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, रोटी भी बन के तैयार है, सब्जी भी बन के तैयार है, हो गया मेरा लंच आज का। ये देखो, ये आ चुके, देखो सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो इन्होंने क्या लाए खाने के लिए, ये देखो, एक सेकेंड ना बताती आप लोगों, ये मंचूरियंस और चाइनीज भेल। तो ठीक है, अभी हम लोग एंजॉय करते हैं। सॉरी गाइस, वो एंगर के कपड़े इग्नोर कीजिए, और चलो अभी हम लोग इसे एंजॉय करते। हो गया डिनर वगैरह करके, हो चुका है, बस सोने की तैयारी है। डिनर करके तो बहुत टाइम हो गया, अभी रात के 2 बज रहे। आप सोच रहे कि 2 बजे तक क्या कर रही, तो जी हाँ, मैं एडिटिंग कर रही थी, और अभी 2 बज रहे। खाना वगैरह खा के कप का हो चुका है, और कपड़े वगैरह चेंज करे, अपना फेस वॉश करके, ब्रश वगैरह करके, अब बस सोने की तैयारी। ये सो चुके, इनको लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो गए सो के, और अभी मैं एडिटिंग वगैरह करके जाऊंगी सोने के लिए। फिर आपको आज का सैटरडे छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मैं इतना स्लो इसलिए बात कर रही हूँ, रात के 2 बज रहे गाइज, 2 बज रहे, पूरे 2 बज रहे, तो इसके वजह से मैं ऐसी बात कर रही, कितनी बार बोली 2 बज रहे, वो 2 बज रहे, 2 बज रहे। तो ठीक है, फिर चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।